तारीख है 28 मार्च 2022, समय हो गया 09:31 PM। मेरी बात सुनो, आप दिल्ली पुलिस हो, IAS IPS हो, आप ADGP इंडियन आर्मी हो, बहुत छोटी सी बात सुनो, अगर आपका वो प्रधानमंत्री जो बना फिर रहा है ना, उसके पास पैसे नहीं है ना आपके लिए लुइस विटॉन खरीदने के लिए या हम्वीज खरीदने के लिए, तो डोंट आस्क मी, डोंट ब्लेम मी, नो लिसन मी केयरफुली। आप सी, दिस इज वेरी क्लियर एंड लाउड। I don't have any concern. I don't have any concern with you in subject of finance. If government of India doesn't have enough money to buy rockets and buy pistols and American assault, it's your problem, na. Simply. No, JSR Securities and Jammu Srinagar Region Securities, Jai Shri Ram Securities, is that mentioned in your in your list of your defense forces? तो तुम्हारा प्रधानमंत्री गरीब है ना, बेवकूफ है, वो चूतिया है, नोटबंदी करके पैसे वो गवा के बैठा हूँ मैं, तो बात खत्म है। तो मुझे क्या बोल रहे हो, वर्ल्ड बैंक अनलिमिटेड पैसा मेरा है ना, ये मेरी गाड़ियां नहीं आने दे रहे, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इतने गरीब भाई। यार मेरी बात मान जाओ दिल्ली पुलिस वालों, ये IAS IPS है, ये MCD वाले हो गए, अबे MCD वालों के गाड़ी मिल गई, उसमें ना वो बजर लगा पड़ा प्यों न्यो, हाँ वो उसे ही लेके घूम के ना अपने आप को ना अमेरिकन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से समझते देखा है नहीं, हाँ ये MCD में नहीं है, जलबोट वालों को देखा, एक वो स्टील के टैंकर क्या मिल गए, मतलब पानी नहीं आने देंगे किसी के यहाँ। I don't know यार, अबे रहने दो यार, मैं तो मतलब मैं यार इतना बुरा फंस गया हूँ ना यार, मैंने पहले ही बोला था, अबे मैं गरीबी से नहीं घिरा हुआ, मैं गरीबों से घिरा हुआ हूँ, मतलब अब नाउ दे आर आस्किंग मी फॉर एन इंटरव्यू इन मीडिया, मतलब मेरी फोटो खींच के ही अमीर होना चाहते हैं, नहीं जान नहीं आना ना, मैं अपना YouTube पे बना रहा हूँ ना, आस्क देम डायरेक्टली 200 करोड़, 200 करोड़ पल्ले में है तो एक न्यूज और एक फोटोग्राफ मेरा दिखा सकते हो, वीडियो, यस आई विल आस्क यू 3 करोड़ रुपीज अ मिनट, 30 मिनट ये वीडियो, 40 मिनट 80 मिनट आप दिखा सकते हो, इफ यू हैव एनफ मनी। मेरी इंटेलिजेंस इनपुट से ना, इनपुट ले लेके IB वाले तो काम चला रहे हैं, इनका पैसा कुछ बचा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा तो हो गया इनका जीरो, सत्यानाश हो गया एकदम, इन डिमोनिटाइजेशन। वर्ल्ड बैंक गए, इसको पता उसी समय लग, कह रहे मैं बता मुझे कैसे पता लगा है सारा, ये वर्ल्ड बैंक गया था पैसे मांगने उधार, उन्होंने 6 मिलियन पकड़ाया, चलो भाई भग जा गरीब यहाँ से, मोदी को झंडू बाम हो गए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले, हाँ और क्या, मेरी SPG उठा करके ना मेरी फोटो लगा के मोदी अपने रूम में ना पूजा पाठ कर रहा, अब उससे क्या होगा, फोटो थोड़ी पैसा देने वाली है, अब बोले जा रहा मैं वर्ल्ड बैंक गया था, ऐसा हुआ ये हुआ, नोटबंदी में गोल्ड भी चला गया, खूब रो रहा था ये, ऐसे पता लगा मेरे को, मैंने है पूरे तिरी यार, इसने सत्यानाश कर दिया, हाँ हाँ
मेरे फोटो के आगे रो रखे रहे, हितेश भाई बचा ले यार। हाँ कुछ तो करे यार, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा तेरी इज्जत कौन लूट रहा है यार, मैंने इतने ही बोला इसको सिर्फ। हाँ ये उठ पुट के ना डर के मारे जो है मोदी, हाँ उठ पुट के डर के मारे ना चारों तरफ देख रहा है, दरवाजा खोल के बाहर से एसपी सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं बोल रहे कुछ। जैसे इसने बोला ना दिया हुआ जला करके, अब मैं वहां साइड में खड़ा हुआ दे, मैंने इसको मेरी याद कैसे आ। मैंने भाई अब फोटो फोटो लगा के दिया जला के पूजा पाठ कर रहा है, तो जाके पूछना तो पड़ता है ना। मैंने व्हाट हैपेंड, फर्स्टली आई आस्क हिम व्हाट हैपेंड। ये इधर उधर देख रहा है, इसको समझ नहीं, अंग्रेजी ज्यादा नहीं समझ में आती इसको। वही है ठेंगा, है ठेंगा पते क्या बोल रहा। फोटो के आगे खड़े हो गए, कह रहा यार हितेश भाई इज्जत बचा ले यार मेरी, कह रहा टाइम मैगजीन के टाइम पे तूने ही मेरी इज्जत बचाई थी तो कुछ चल पाया। मैंने कहा अजीब आदमी है यार ये, मैं पता है क्या पूछ लिया इससे, मगर तेरी इज्जत कौन लूट रहा है। फिर बोलना शुरू किया इसने, कह रहा यार आई वेंट टू इन हिंदी, मैं गया वर्ल्ड बैंक लोन स्टेटस पता करने, ब्रिक्स बैंक का पैसा। उन्होंने तो सीधा ही ठेंगा दिखा दिया मेरे को, कह रहे इन डिमोनेटाइजेशन आफ्टर डिमोनेटाइजेशन लूज योर एवरीथिंग, योर गोल्ड एंड साथ प्लस एंड इंडियन गवर्नमेंट बैंक अकाउंट। डिपॉजिटी का झूठ बोल रहा माकल उड़ा। हाँ हाँ इसी इसे इसे वापस भेज दिया चूतिए को। वहाँ तो सीक्रेटली बात होती है ना, ये खुद गया था वर्ल्ड बैंक 6 मिलियन के लोन के लिए। लड़ा सारा चूतिया बन गया ये। हाँ कह रहा भाई कुछ तो करो। मैंने कहा यार तेरी तेरी इज्जत लूट रही है, कॉल पुलिस। जो मैंने पूरा मैटर सुना ना, मैंने कहा माँ का भोसड़ा इसकी हो गया सत्यानाश। ये था मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये हकीकत है। तब मुझे रियलिटी पता लगी, मैंने कहा यार वाकई यार गोल्ड लिंक तो होता है। फिर मैं जब इसने बोला इंडिया का गोल्ड भी जीरो हो गया है, तब मैंने पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता लगा। अरे तेरी माँ का भोसड़ा मारा बहन के लौड़े। मैंने कहा यार नोट के साथ तो गोल्ड लिंक है, बगैर माँ चुतगी बहन के लौड़े की इसकी। मैं कहा ये वही वाली बात हो गई, इसने हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर दी सिस्टम की, माँ चुत गई। प्लस उसने पिछले पिछला डाटा भी डिलीट करवा दिया इसने आरबीआई से। बस अब ये पुलिस वाले के मेरी गाड़ियां नहीं आने दे रहे। हाँ मेरे ट्रक्स वगैरह मैंने खरीदे, हम भी खरीदी अपने लिए, चिढ़ गए ये लोग। जब बोला ना दिल्ली पुलिस ने कि वी नीड 500 जिप्सीज, मैंने आई विल सैंड यू, हम भी 15 करोड़ का एक हम भी आ रहा है, तो पैसा है नहीं देगा कहाँ से। भैया देखो साफ सीधी सी बात है ना, मैं 15 करोड़ बिकॉज आई एम फिर वही वाली बात है यार, अब फ्री में कोई 15 करोड़ की हम भी दे देगा। कह रहा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर, तू बन जा दिल्ली पुलिस कमिश्नर, 500 हमवीज 15 करोड़ की। ओ भैया दूर से ही सल्यूट है तुझे, अच्छा भैया बाद में मिलेंगे। ना ना ऐसा पुलिस कमिश्नर नहीं बनना मेरे को, छोड़ना देश बंधु से जाके वर्दी सिलवाऊंगा, 4-4.5 हज़ार की वर्दी बनेगी। चल 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 हवा आने दे। और जब रियलिटी देखी ना, मैंने कहा सारे पैसा रोक लड़ा, इनके पास कुछ नहीं बचा, सत्यानाश। इसने कन्फेस किया था मेरी फोटो के आगे, हो गया टाइम 1.5 महीना हो रहा है। मुझे ऐसे तो पता लगा, अभी साले भोसड़ी के चूतिए जो है ना बॉर्डर पे जो खड़े हैं उस पार वाले, वो तो और बहन के लोड़े जो है ना एकदम गए गुजरे हैं। मतलब वो ऐसे हैं जैसे तेरा देर लाइक ना, बिहार पुलिस होती है ना, बिहार पुलिस की तरह है वैजित। वैगोड़े साले चप्पल पहन के ना, और वो चिटकनी वाली टांग लेंगे, और अजीब सी ढीली सी वर्दी, गरीबों की नहीं। थोड़ा और आगे जाएगा ना पाकिस्तानी आर्मी, अबे 2-4, 25-50, 500 को नए कपड़े दे दिए होंगे, सारे के सारे वैसे ही हैं उस तरफ। हाँ हाँ बाय रोड यार, उधर से हजारा से जो है ना, हजारा ने मेरा कॉन्वॉय पास करा दिया,
अब वो इस तरफ आने लगा, इनकी बहन करोड़ों की मार चुकी, खड़े हो गए ना, छू छू के देखते हैं गाड़ियां छू छू के देखेंगे गाड़ियां क्या हो गया भाई। हाँ केरे 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 किसने मंगाई है, फिर इंडियन आर्मी, कह रहे ना इंडियन आर्मी की नहीं है, जी एस आर सिक्योरिटी की है, हितेश भाई ने मंगाई है वो गाड़ी, जो इमरान खान की ऐसी झाड़ जली। इमरान खान ना बहन करोड़ों, अबे दो तो कॉन्वॉय है पाकिस्तान में, बारी बारी कभी मरियम नवाज मंगाती है किराए पे, कभी वो मंगाता है इमरान खान, और क्या भाई एक गाड़ी तो चेंज करते हैं उसमें। अबे फॉर्च्यूनर कोई कौन, फॉर्च्यूनर गाड़ी कोई कॉन्वॉय है, वही आपस में किराए पे करते रहते हैं। मैं तो इतना दिमाग खराब हुआ ना, तालिबानियों के पास जब आया ना, अरे छिल्ले साले चूती है बहन के लड़े, वही है ये मस्जिद के बाहर रोटी लूटने वाले लड़ा, इनकी मैगजीन मारो बहन के लड़ो के झापड़। तालिबान के वहां अफगानिस्तान से ना मेरी टीम ने असर भेजी, तालिबान को बोला कि आप कौन हुआ जो है ना ड्रैग करके लेके जाना है, बहन के लड़े ना उसको बैठ के ना अपने तालिबान का झंडा वंडा लगा के घूम रहे हैं। मैंने कहा मैं इनकी माँ चोद दूंगा बहन के लड़ों की, बता रहा हूँ मैं, मेरे कॉन्वॉय से हाथ हटा, तो मैंने दिया ही नहीं, मैं माँ चुका भोसड़ी वाले, मैंने हमारे बंदे अपने अपने आएंगे साले भोसड़ी के गरीब कही के मैं बोलता हूँ तो कहते यार तू ऐसे बोल, अरे रियलिटी है यार, कह रहे तू इनकी हिंदी, अबे हिंदी उर्दू कुछ भी कर ले इनकी ऐसी है, तूने रावी पीर जोधा की भाषा नहीं सुनी क्या बात कर रहा है, तूने कभी मरियम को हिंदी बोलते सुना है या रेहान को, क्या बात कर रहा है यार तू, मेरी वाइफ की वॉइस सुनी है तूने, कितनी प्यारी बोलती है वो, कितना कितना मीठा बोलती है आप जी उस तरह से, वह गुस्से में तो खैर कोई बात नहीं, उसमें भी लिमिट रहती है। ये इसकी माँ का भोसड़ा, ये राबी पीज़ व्हेन आई फर्स्ट टाइम सॉ हर ना ऑन ऑन टीवी, आज शी स्टार्ट टू टॉक विद मीडिया ना, मैंने माचुदा ना बहन के लौड़ा, मैंने चैनल ही चेंज, मैंने क्यों भेजी थी करानी है अपनी नहीं मैंने मंगाने ही छोड़ दिया कॉन्वॉय, मैंने कहा यार पैरा ड्रॉप करा लेंगे न, फ्यूल खर्च कर लेंगे, अरे चूतिया समझा है बहन के लौड़े साले छिल्ले, हाँ वही गुटका फुटका खा के ना वही, अबे बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ है बहन के लोड़े, तेरी माँ के चूत शीशा ऊपर रख, शीशा नीचे करके ना ऐसे तालिबानी अजारा वगैरह जो है, हाँ हाँ ऐसे हाथ रख के ना शीशे पे ऐसे थूकता हुआ जा रहा गुटका, मेरे कहते बेड़गढ़ पागल आदमी है मैं कहता तू बिहार में है क्या, कह रहे बिहार से कम थोड़ी है, हैं ओ गुटका भी कोई वही थोड़ी रजनीगंधा जैसे कोई महंगे वाला मिलता हो, गवर्नमेंट चलाने चला था मोदी और अमित शाह और रजनीगंधा और ये गुटका महंगा करके नितिन गडकरी, कह रहा इसी से गवर्नमेंट चल जाएगी, चलो 5 रुपए का आता नहीं था वैन के लोड़े 20 रुपए का बेच रहे। कोविड में भारत में देख ब्लैक मार्केट कैसे कर रहा करवा रहा था गडकरी, बीड़ी सिगरेट इनकी माँ की चूती है बहन के लोड़े, ये देश में नशाबंदी करेंगे माँ का भोसड़ा है इनकी, नशाबंदी मैं करके दिखाऊंगा, मैंने अपूर्वा को इशारा किया, मैंने अपूर्वा आप उसे जरूर खिलाता हूँ बढ़िया वाली चीज, देख नोटबंदी मैंने करके दिखाई ना, अब नशाबंदी देख कैसा, बंदी को नशा कराऊंगा नशा सुना तुमने म्यूजिक अल्टीमेट है क्या मरियम नवाज की बात कर रहा है, अबे लोड़ू मीर चंदानी तुझे पता क्या है, किराया भरने लायक नहीं है उन घरों का, इनमें तू तड़ाक चलती है आपस में, वहां के पुलिस वाले इनकी लड़ाई इज्जत नहीं करते वहां के आर्मी और पुलिस वाले, नेता बनने के लिए तो मंच पे ऐसे चढ़ेंगे ना भाई, उन्होंने पुलिस वाले ने लुगाइयों के भी हाथ लगा के चढ़ा देते ऊपर तो देखा कर कभी तूने वीडियोस नहीं देखी है? मैं तो मरियम को इतना समझाया, मैंने कहा मरियम ग्रो अप यार, राइज़ योर स्टैंडर्ड, तो वही डाक के 3 पाते इनके। रियान खान को तो मैंने इतना समझाया यार, फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग विद योर सेल्फ,
देन वी विल चेंज एसपीजीज। इनकी इनको आज तक मरियम नवाज, रावी पीजदा, रेहान खान, इमरान, इनको इनको ना लैंग्वेज एसपीजी आज तक नहीं मिली, आज तक नहीं मिल पाई इनमें से किसी को भी। इंडिया में देख, न्यूज चैनल में जो डिबेट्स करते हैं कितना डिसेंट बोलते हैं, यहाँ तक हिंदू महासभा वाले ज्यादा तमीज से बात करते हैं, उनकी भाषा ज्यादा सही है। मरियम को सुना तूने कभी? इतना इतना हर्ष बोलती है ना। अरे नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का थोड़ा सा असेट रखा है ना वहां पे, हार्डली 100-200 के पास नई यूनिफॉर्म होगी। सही तो मैंने मैं चिढ़ा रहा था इनको, मैंने कहा अमेरिकन छोड़ गए होंगे, तो मेरे से कह रहे तुम्हारी टीम क्यों चेंज करती है। मैंने कहा तो वो भी मेरी टीम है, ये भी मेरी टीम है, दिक्कत कहाँ है। ले हद हो गई, जैसा सिक्योरिटीज में सब आपस में सब एक फैमिली है हमारी। कह रहे कौन है जैसा सिक्योरिटीज, क्यों क्या करेगा तुझे, अपनी माँ चुदवानी है? मैं आज फट उछल गया कुर्सी पे से। हमारे पोस्ट पे आ गया एक दिन पाकिस्तानी, 10 साला सलवार सूट पहन के। हाँ कह रहा सारे बैठे हैं सब जैसा सिक्योरिटीज वाले, और बड़े बड़े स्टाइल में पूछ रहा क्या कौन है यहाँ पे जेल साथ सिक्योरिटी साल। ऐसे में पता हमारे में एक बंदा उठ के छुटते क्या बोला, कह रहा क्यों अपनी माँ चुदवानी है तुझे। सुलग गया, कह रहा तुम इंडियन आर्मी से हो। दूसरा पता क्या बोल रहा है, फिर तो तुझे पक्का अपनी माँ चुदवानी है। ऐसा नहीं नहीं, इनके इनके बॉर्डर से हमारी पोस्ट तो आ गया है। नहीं नहीं, इधर तो दो ये तो पकड़ रखे हैं हमने, ये जाने ही नहीं देते। चल परेड कर, बाघा बॉर्डर पे नहीं देखते, इन्हें जाने ही नहीं देते उधर यार, तेरी ऐसी कितने ऐसी। हमारी पोस्ट तो आ गया है, बॉर्डर से 30 किलोमीटर आ गया है, नो मैंस लैंड है ना, पूरा क्लियर करा के उसके आ गया। अभी तो वहाँ लैंड माइन हटा रहे थे, ना मोदी मोदी और उसकी टीम के बंदे आए वहां पे, बड़ा चौड़ा होकर के आ रहा मोदी, जे सा सिक्योरिटी वाला, देखते के साथ ऐसी खुंदक चढ़ गई ना। अब नो मैंस लैंड में है ना, पहले हमारी पोस्ट थी नो मैंस लैंड, वहां मर्डर नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन तो पूरे मानते हैं यूएन के, ठीक है। मोदी ना नो मैंस लैंड में आने वाला था ना, फटाफट इंडियन आर्मी वाले ने पकड़ लिया, कह रहा इधर कदम मत रख दियो गायब हो जाएगा तू। कह रहा मुझे मुझे ना जे सात सिक्योरिटीज वालों से मिलना, ठीक है। इंडियन आर्मी वाले कह रहे भाई ऐसा है, बात सुन, मार मुड़ देंगे क्या फायदा यार, तेरे को इसे ढूंढ रहे हो। मोदी दोबारा गए ही नहीं उस तरफ। मोदी को डराना होता ना पीएमओ में, हमारी टीम के बंदे पता फोन करके क्या बोलेंगे यहाँ पीएमओ सिक्योरिटी को, मोदी को बॉर्डर पर बुलाया। इनका तो ऐसा पोपट बना के रखा है ना, हमारी हमारी थोड़ी बनती है नहीं, इंडियन आर्मी से तो हमारे को लेना देना थोड़ी है, हम इन्हें बोलते नहीं, हमें तंग नहीं करते, हम इन्हें नहीं करते। इनकी तो ऐसे झंडू बांध कर रखी है ना हमने पाकिस्तानी आर्मी की, नहीं तो आ गया असट तो आ गई सारी, वो बीएसएफ वालों को पता है, मिलते रहते हैं। वो कह तो रहे थे, कह रहे यार हमारे यहाँ से भी ऑर्डर गए हुए हैं तुम्हारे को, तो जे सर सिक्योरिटीज वाले कह रहे, पर क्या कह रहे इनको, कह रहे हाँ सब ऐसे ही बोलते हैं। कह रहे मतलब, कह रहे नहीं हम उधर पीछे उधर पोस्ट पे गए थे ना उस तरफ, वहां पे भी ऐसे ही कह रहे थे कि हमारी भी गाड़ियां आने वाली है। पैसा वैसा है नहीं, गाड़ियां आने वाली है। हमें बता ना हकीकत क्या है तुम्हारी। हमें मालूम है ना तुम्हारी हकीकत क्या, तो हमारी टीम का बंदा जा रहा, हाँ हो सकता है, कब तक आ रही है भाई, अब तक खुद ही पूछ लेते हैं। हमारी टीम के बंदों ने क्या करा उसमें ना नो मैंस लैंड के वहां पे, हम भी लगा के ना उस पर आराम से बैठे हुए, तो बीएसएफ वाले ना पेट्रोलिंग कर रहे थे, ठीक है।
उनसे पूछ रहे, और भाई साहब क्या हुआ, वो आपकी गाड़ी वाड़ी नहीं आई, कौन सी ब्रांड की मंगा रहे हो? हाँ आने वाली है। देखा तो अगले दिन फिर से जो है ना वो अशोका लीलैंड का ट्रक खड़ा हुआ और उसका हाथ वाला पेंट सा लगा हुआ, जैसे बड़े मुश्किल से वो स्प्रे पेंट मारते फिर वो लुक तो हो ही रह जाता है। हाँ इनसे पूछते हैं ये लोग इतना 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 ज्यादा गरीब है ना साले भोसड़ी के पाकिस्तानी। मरियम नवाज पता है क्या कह रही? हाँ जब फर्स्ट टाइम उधर से कॉन्वॉय लेके आ रहे हैं ना तो फ्लैग उकटा हटा दिए, तो इमरान पता है क्या सोच रहा? बड़ा खुश हो गया, ये हमारी टीम के लिए आए क्या? हमारी टीम वालों ने क्या करा, कह रहे देख भाई ऐसा है, नहीं उस पर एक पेंट लगा रहता है ऊपर, स्प्रे होता है कि कॉन्वॉय जब लेके आते हैं ना व्हीकल्स, तो अगर कोई चीज़ फेंक भी दे तो डेंट वगैरह नहीं होता, फिर बाद में उसको हटा देते हैं। तो लेके आ रहे ना हमारी टीम ने क्या करा, पूरे शीशे वगैरह ऊपर करे, कह रहे रहने दे यार गरीबों का मोहल्ला है। हाँ एक 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 कारखाना नहीं है गाड़ी बनाने का पाकिस्तान में, शर्त लगा ले, बता कौन सी गाड़ी बनती है पाकिस्तान में, बताइए कोई असेंबली है गाड़ी बनाने की, तो फिर क्यों बेकार बेकार की बात बना रहे हैं? भारत से युद्ध लड़ने की बात कर रहे थे, तो हमारी टीम ने ना एक बार को बुलाया उधर से पाकिस्तानी, इधर आए, अरे वो एक हमारे हमारे इधर ही इधर ही इंडियन आर्मी वालों से तमीज से बात करते हैं वो लोग, उधर तो इधर आओ, कह रहा कहाँ से सीखा, कह रहा पाकिस्तानी पाकिस्तानी प्ले देख रहे थे, कोई दिक्कत इधर आओ, तो बुलाए इधर ही हो, प्यार से पूछा उससे, तुम एक बात बताओ है, तो तुम जब भारत से युद्ध लड़ने की बात कर रहे थे तो ये मजारों से पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे थे? इनके ऐसी झंडू बाम कर रखी है ना वहां पे बॉर्डर पे, तो इंडियन आर्मी वाले पता है क्या, क्या बात है भाई आजकल, हाँ सीज फायर वॉयलेशन नहीं हो रहा, दूसरे इनका बंदा पता कर रहा, मारते बहुत है वो लोग, देख इधर इंडियन आर्मी वाले सुन ध्यान से पहले, उधर तुम, हाँ और ये है नो मैन्स लैंड, गोली उधर से चलेगी तो हमारे इधर से होकर जाएगी, अगर बेटा एक गोली भी इंसान हुई वहीं आके मारेंगे, मारते भी पता कैसे, एक दिन तो खुंदक में कह रहा तुम गोली चलाओ हम पे, बंदूक चलाओ तोप चलाओ, ये क्या बदतमीजी है, जा करके जाते ही उल्टे हाथ कर दिया जी ने, कर्नल था पता नहीं कौन था उसके बाद बस के मुंह से खूनी को, तेरे समझ नहीं आ रही है क्यों गोली चला रहा है इस तरह, कह रहा इंडिया उस तरफ है, नो मैंस लैंड दिख रहा है बीच में, ये नो मैंस लैंड है, ड्यूटी हमारी है, फायरिंग किससे पूछ के करी, आए दिन उधर पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स में जाके पीट आते हैं बंदों, मारते इतना बता खुंदक में क्या, वायरलेस करके क्या कह रहा है सर, ये इंडिया ने कोई नई नई स्ट्रेटेजी अपनाई है, पता नहीं कौन से लोग है ना फायरिंग करते हैं कुछ, जब देखो आगे झापड़ मार के जाते हैं। एक दिन तक तो खुंदक में क्या करा, एक बंदा आया इनमें से, उसने क्या करा पूरी फायरिंग खोल दी पोस्ट पे से, बोला अगर हम किसी से नहीं डरते, मैं ठीक है अच्छी बात है, फायरिंग खोल दी भाई, और हमारी भी किस्मत अच्छी थी अंदर बैठे हुए उसमें, हम भी इसमें ना कॉन्वॉय के अंदर बैठे हुए सबके साथ, ठीक है गाने सुन रहे हैं चार चैनल के सारे गाने सुन रहे, राम जी फायरिंग कौन कर रहा है, हम भी लेकर के गए पोस्ट में घुसा दी पूरी, पागल समझ रहा है तू, तेरा समझ नहीं आ रही, और जाओ जो पोस्ट थी ना वहां पे हम भी खड़ी करके ना वहां पोस्ट बना, इमरान खान की जुबरवाई सुनी थी एक हफ्ते 5 दिन पहले, स्पीच दे रहा था पता है क्या पूछ रहा, अपनी भीड़ देख के यार इतनी पाकिस्तानी तो नहीं बचे, सब भग गए इसका, किसी ने साथ नहीं दिया पाकिस्तानियों का, कोई ईरान में घुस गया, कोई अफगानिस्तान में, पता क्या करा, क्या चूतिया प्रधानमंत्री आ रही है मरवा देगा,
पाकिस्तानी आर्मी वाले जो है अफगानिस्तान में घुस गए ना, उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए, कह रहे भाई अलकायदा में भर्ती हो जाएंगे, हजारा बन जाएंगे, इन चूतिया पाकिस्तानी आर्मी के चक्कर में नहीं पड़ रहा, ये बहन के लोड़े सबको मरवा देंगे। तो वहां जो है वहां हजारा ने दी लात खेच गए, इनकी इनकी कोई इज्जत नहीं रखी हुई है। राबी पहुंची एक दिन बड़ी चौड़ी होकर के ऐसे फैल करके, मेरी टीम के बंदे ना बाइनोकुलर से देख रहे, कह रहे यार ये तो भाई की चैट लग रही है। और आके ना पाकिस्तानी आर्मी वालों को कह रही, आपको पता है वो उधर से इतनी गालियां देता रहता है, वीडियो बनाता रहता है, आप लोग फायरिंग क्यों नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। ठीक है, तो वो पाकिस्तानी आर्मी वाले कह रहे, मैडम आप ही कर लो फायरिंग। रावी कह रही, हाँ मैं करके दिखाती हूँ, अभी रुको तो सही। रावी ने क्या करा, मेरी टीम के बंदे देख रहे, कह रहे यार भाई भाई को फोन लगाया, इसकी चैट जो है कुछ ज्यादा ही चल रही है, दिमाग खराब हो जाएगा, डपेट डपेट पड़ जाएंगे इसके। रावी ने क्या करा, मशीन गन लेकर के ना गड़ 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 दो चार पारी करी, नहीं उसका थक गई होगी। ठीक है, मेरी टीम के बंदे कह रहे भाई, कह रहे यार भाई से अभी बात करके ना छोड़ना, रहने देना यार, कि पहले से पूछेंगे इससे जाके इस गन किसने दी, तो वायरलेस हमेशा ऑन रहता। उन्होंने जैसे सुना ना पाकिस्तानी पोस्ट वालों ने ये पूछे, पता जाके पूछा भी कैसे था, सीधे ही बता दो, वहां जाके पूछ रहे पाकिस्तानी, वो राबी तो चले गए बाद में उसे अपनी गाड़ी दे करके, तो पाकिस्तानी आर्मी वाले से जाके पूछ रहे, एक बात सुने, ये भाई की चैट थी ना, इसको फायरिंग की परमिशन किसने दी, और फिर पिटाओ पूरी पोस्ट के दे जाबड़ दे जाबड़। वो राबी से पूछ रहा, इतनी फेमस है ना ये वहां पे, कह रहे दोबारा अगर इसके हाथ में वेपन दिया ना, फायरिंग हमारी तरफ आई है, समझ में आ गई ना, अब यार पोस्ट खाली कर। कह रहा भाई साहब मैं क्या करूँ, हमारे को गालियां दे रही थी, हमें कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गई ना, गन तूने दी थी उसके हाथ में। इंडियन आर्मी वाले यहाँ पता है क्या करते हैं, आराम से जो है ना अपर वगैरह हटा के बनियान में जो है जो नहाते धोते घूमते फिरते, सोचते अब तो हमला होगा, चलते। और आज ऑर्डर पास किया है ना, 600 किलोमीटर दूर निकल जाओ, तुम शर्त लगा लो एक हफ्ते बाद जो है पूरी पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी नहीं पुलिस भी नहीं, पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन 600 किलोमीटर उस तरफ होगी एकदम। वो तो इतना अच्छा बच्चा बना के रखा हुआ है इनको, चलो उधर, तेरे समझ नहीं आ रही है, तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, इनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक दूसरे पे दाग लगे तो चलो उधर चलो। फिर कह रहे भाई पहले तो ये बता, तुझे लड़ना है लड़ दे, नहीं लड़ना ना तुम्हारे जैसे से, क्यों गरीबों से नहीं लड़ते। पता है एक बंदा क्या कह रहा है, मैं गरीब हूँ क्या है, मेरे पास 250 बीघे जमीन है, कह रहा 300 बीघे जमीन है, कह रहा मेरे पास 40 ऊंट है, कह रहा मैं भाग जा मार मूड़ देखे तो समझ नहीं रहा। बाजवा को कई बार बुलाया हमारी टीम ने, एक इधर आ बुलाया, वो इधर ही हो, तुमने तमीज से बात, जेएसआर सिक्योरिटीज की एक ही पहचान है, जैसे ही कोई बोला ना तुम्हें वहां पे अगर फुल कॉम्बैट यूनिफॉर्म बोला, ओ इधर आइयो, समझ जे साथ सिक्योरिटी वाले, और आई कार कुछ नहीं, इधर आओ, बाजवा को बुला के ला। बाजवा के पास मैसेज गया, बाजवा को बोला साहब वो बॉर्डर पे कुछ लड़के खड़े हुए हैं, हम भी लेके और क्वांटिटी ठीक ठाक है, वो आपको बुला रहे हैं। ठीक है, तो बाजवा पता क्या कह रहा हूँ, वहाँ पे रैंक वैंक क्या है, कौन सी बटालियन है, कह रही बटालियन तो पता नहीं मेरे को, तो छुट्टी कह रहा हो इधर, और भोसड़ी वाले बाजवा को बुला के तो भैया भैया ये है जेएसआर सिक्योरिटी। ठीक है, एक बार ना इंडियन आर्मी को कुछ लड़के थे, इनसे हो गई बतड़बाजी। अब बतड़ भी किस बात पे हो गई, ठीक है, पोस्ट पे
क्या कहता है पेट्रोलिंग थी, हमारे पास यूनाइटेड नेशन का लाइसेंस है नोमेंस लैंड में पेट्रोलिंग करने का, तो ना तो इधर ना उधर, तो बीच में नोमेंस लैंड होता ना, काउंट नहीं होता, उसमें हम लोग आराम से फ्रीली घूमते। वहाँ मेन काम जो है ना, जिसमें हमारे पास अच्छा पैसा आ जाता, कई कई प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो नोमेंस लैंड एरिया है ना यूनाइटेड नेशन द्वारा एक्वायर किया हुआ, उसमें से लैंड माइंस हटाते हैं हम लोग। मेन काम हम लोगों का ये है, तो वो काम चलता रहता है, वहाँ जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। इंडियन आर्मी वाले थे तो लैंड माइंस लगा देते हैं, अलाउड नहीं है, क्योंकि एनिमल्स हैं, इनोसेंट पब्लिक है, विलेजेस वगैरह मर जाते हैं बेचारे। तो और ये लोग क्या करते हैं, कई तरह के लैंड माइंस आते हैं ना, कई बार फेंक भी देते हैं लाइव बॉम्ब्स वगैरह। तो इंडियन आर्मी के कुछ लड़के होंगे अपने आप को फन्ने खा समझ रहे, ठीक है, हमारी टीम के बंदे ना आराम से काम कर रहे होंगे, तो लैंड माइन रिमूवर्स आए नए वाले, तो हटा रहे होंगे, तो इंडियन आर्मी वाले ने बुला, इधर आइए आप लोग। तो यहाँ से हमारी टीम ने वायरलेस कर दिया, पता था कौन सी पोस्ट है, कि जो आप अपने नौ निहालों को मंगा दो, इधर मारेंगे बहुत ही ना। इतना कहना था, उस दिन से जो झांट सुट गई है इंडियन आर्मी वालों की। नौ निहाल क्या होता है, अब बच्चे हैं ना, मारेंगे बहुत, इनको ले जाओ यहाँ से, ठीक है, क्या करके भाई वो वायरलेस रख दिया। वो फिर जो कल सुनाई नहीं दे रहा, हमारी टीम ने कहा जाइए जरा इनको ले के आ जरा इधर, उठा के ही ले गए, दस लड़के थे, दसों को उठा के ले गए, इधर आओ, हथियार हथियार सब छीन छान के गाड़ी में रख ली, ट्रैक सूट पहना दिया। और सुन अब ठीक है, अब ना हमवीज में कई हमवीज में मेरी फोटोग्राफ वगैरह भी लगी हुई है, अंदर जे एस आर सिक्योरिटीज वगैरह लिखा रहता है, तो देखा ना कह रहे जे एस आर सिक्योरिटी, इसी तरह पहना दी। अब बात सुन, यहाँ से दौड़ता हुआ ना अपने कंट्रोल रूम में जाएगा, ठीक है ना, और दोबारा दिखियो मत, और वायरलेस करके पता क्या करे, और एक के मारा ना एकदम जा पड़ के रोने लग गया। वायरलेस पे ना इंडियन आर्मी के पोस्ट वालों को सुना रहे, ये जो तुम्हारे तुमने जो नौनियाल छोड़े हुए हैं ना, ये पहले तो इनकी ट्रेनिंग पूरी कराओ, समझ में आ गई ना, दो साल की ट्रेनिंग होती थी और यहाँ पे आ जाते हैं ये बॉर्डर संभालने के लिए। बात कर अपने बाप से, उधर से पूछ रहा क्या बात हो गई, कह रहे जी पता नहीं कौन लोग है, ठीक है, अमेरिकन व्हीकल्स वगैरह है इनके पास, यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे, तो हमने पूछा, इन्होंने हमारी वर्दी और हथियार वगैरह सब छीन लिए, इन्होंने वायरलेस किया, तो हमारी टीम के लड़के ही बैठे रहे कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा कि इनकी गाड़ी के अंदर ना जे एस आर सिक्योरिटीज लिखा हुआ है, तो पता क्या, जे एस आर सिक्योरिटीज वाले इनको रोको, इनको पकड़ते। आर्मी हेडक्वार्टर से फोन किया, पता क्या कह रहे, देख भाई कल को पिटपिटा जाए ना, हमारी तरफ से कोई बंदा नहीं आ रहा बचाने के लिए, अपने रिस्क में जाइए, मारेंगे बहुत, पहले बता। वापस भेज दिया, और खुंदक में सब भटभटा वहां पे, और यार मीटिंग में मीटिंग चले जा रही, और सबसे जो मेरा डायलॉग था ना नौनियाल, इतना फेमस है ना इंडियन आर्मी वालों को, वायरलेस सर ऐसा है नौनियाल जो है ना, ये कुछ ज्यादा ही बन रहे, इतना सुलगते है ना एनएसजी वालों के, तो एनएसजी लंका लगी। एनएसजी में एक बंदा है रावण, हाँ, तो वो एक दिन जो है ना बॉर्डर पे पहुंच गया पोस्ट पे, वहां जाके पता खड़ा हो गया, तेरे पता ना जे एस आर सिक्योरिटीज वाले खड़े हैं सामने, और है भी बैल के बैल पूरे, वो भी ठीक ठाक है जो रावण है एनर्जी वाला, जाके पता क्या करा, मेरा नाम रावण है, तो दिया झापड़ के उसे, उसके कपड़े वपड़े सब छीन लिए। कह रहा है जे एस आर सिक्योरिटीज का मतलब समझा, जय श्री राम सिक्योरिटीज, हमारे सामने बोल रहा तो रावण है, करा ले चले इसको बल्ली में लगा करके उसमें आग लगा दी। उधर से पाकिस्तानी आर्मी और इधर से इंडियन आर्मी, ये क्या हो रहा है, रावण जला रहे रावण,
और कितने रावण है तुम्हारे पास? वो कह रहे, क्यों कह रहे, नहीं हमारे नहीं है ये, तो पाकिस्तानी आर्मी में था, ये इधर आया था, इधर से जा रहा था, तो हमारे से क्या कह रहे। अगर किसी ने भी बेटा जेएसआर सिक्योरिटीज वालों के सामने कहा ना कि वो रावण है, मेघनाथ है, या कुंभकर्ण है, या अहिरावण है, बेटा पक्का मारेंगे, छुटते ही मार देते, छुटते ही बंदा पीठ पाट के भाई सब टांग के खम्भे पे आग ही लगाती, जिंदा ही जलाती। सब भैया जीएसआर सिक्योरिटीज के जलवे देख रहे हैं ना, बस रिक्वेस्ट करके ना इंडियन आर्मी की पोस्ट, नहीं, नॉन यालों की पोस्ट से ना आगे बढ़ जाना, उसके बाद बताएंगे। बेटा वॉर कहते किसे, इधर पूरे एरिया में जो है काम चल रहा है, लैंड माइन हटा रहे हैं, बहुत किसान मर गए ना। दोनों साइड के लोग क्या करते हैं, जब धान वगैरह की खेती होती है ना, तो उसमें लैंड माइन छुपा देते हैं, तो वही काम चल रहा है पूरा यहाँ इधर से उधर तक। अब ये कल ज्यादा दिमाग लगा रहे, जब क्लियर कर देंगे ऐसे की तैसे। यूनाइटेड नेशन ने क्लियरली बोला हुआ हमारे को, उन्होंने कई बार मैसेज कर दिया इनको, आप अपनी ज्यादा एक्टिविटीज बंद करो। असल में यूएन को ना जेएसआर सिक्योरिटीज जैसी पावरफुल फोर्स नहीं मिल रही थी, और कोई बात नहीं है यूनाइटेड नेशन को काम करने के लिए। हम तो ऑर्डर्स लेते हैं, काम शुरू, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी डिस्प्यूटेड लैंड्स है सब में हम लोग काम करते हैं। चलो तू उधर, तू उधर, बात खत्म, इनको नहीं मारोगे, बात खत्म है यार। यार, और पता है कुछ लोग ने, एक दिन क्या हुआ, करीबन 150 पता नहीं 200 जो है इंडियन आर्मी में लड़के भी ठीक ठाक थे भाई, ट्रेनिंग करी थी उन्होंने, मार्कोस की करी हुई थी ट्रेनिंग, वो किसी तरह मार्कोस वाले पहुंच गए वहां पे बॉर्डर के नजदीक, और बॉर्डर के नजदीक पहुंचने के बाद ना उनको पता तो लग ही गया था, वो सीधा पहुंच गया जेएसआर सिक्योरिटी का, तो वो फॉलिन हो गए सबके साथ। तो जेएसआर सिक्योरिटीज वाले ने पूछा उनसे, हाँ जी बताइए आप लोग, उन्होंने बताया इंडियन आर्मी मार्कोस, तो बताइए कैसे आना हुआ, तो उन्होंने बोला हमें जेएसआर सिक्योरिटीज में आना, तो भाई ऐसे आप नहीं आ सकते वहाँ से ऑर्डर लेके आओ, कह रहे जी ऑर्डर दे ही नहीं रहे हमारे को, कह रहे वहाँ रजिस्टर होगा, वहाँ उस पर लिख दिया था, कह रहे जी आज रजिस्टर में एंट्री करके रख ले रह जाओ यहीं पर। फिर वहाँ से वायरलेस कर दिया, 200-150 पता नहीं 200 लड़कों का डाटा था वो दे दिया, और उस दिन से ऐसी सुलगी पड़ी इनकी पोस्ट पे, कह रहे यार ये कौन सा तरीका, भाई तरीका क्या है आपके उसमें, लड़कों ने कह दिया आ गए तो कौन सी गलत गलत बात हो गई, वो लड़के ट्रेनिंग ले रहे हैं वहां से। हम हमें हमें टाइम नहीं लगता, हम तो फटाफट काम करते हैं, फटाफट।